तो भाई आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो समझ नहीं पाओगे। मैंने सुना है कि इंसान को मारकर वापस जिंदा किया जाता है, क्या यह संभव है कि किसी को मार देने के बाद उसे वापस जीवित किया जा सकता है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कई ऐसे गांव हैं जहां पर ऐसा कार्यक्रम किया जाता है, मैंने सुना है, और वो भी नाग पंचमी के दिन किया जाता है। तो मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना है। तो आज मैं देखने के लिए जा रहा हूं कि किस तरह से मारने के बाद उसे वापस जिंदा किया जाता है और इसमें क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, और ये जो तंत्र मंत्र वाले होते हैं बैगा, उनके द्वारा किया जाता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलो चलते हैं, ऐसा एक गांव है बिनैका, तो बिनैका जाना है, बिनैका में जाकर देखना है। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, मैं उसका पूरा नज़ारा आपको दिखाऊंगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. यहाँ आने के बाद मैंने पता किया तो बताया गया कि जिसके सर पे चावल का दाना गिराया जा रहा है उसी को तंत्र मंत्र से मारने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। गांव वाले कुछ लोगों के द्वारा पूछने पे बताया गया कि अब यह इंसान पूरी तरह मर चुका है, अब इसे वापस जिंदा करने के लिए तंत्र मंत्र का उपयोग किया जा रहा है। अब देखिए आगे। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपको कुछ तो समझ में आया होगा। दोस्तों, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या यह इंसान सच में पूरी तरह मर चुका था? दोस्तों, अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या है सच्चाई, इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि मरने के बाद क्या इंसान को वापिस जीवित किया जा सकता है? हम लोग कार्यक्रम देख के जा रहे हैं, कार्यक्रम का नाम तो हमें पता नहीं, लेकिन नाग पंचमी के दिन इंसान को मार के तुरंत किया जाता है जिंदा। तो उस कार्यक्रम को हम लोग देखने के लिए गए थे, जो कार्यक्रम को देखकर अभी हम लोग घर जा रहे हैं वापिस।